गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। अभी मैं उठ के आई हूँ, चाय वगैरह पी है क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। आज से कुछ स्टार्ट होने वाला है उसकी वजह से तो मुझे जल्दी उठना पड़ा। आज से मे बी मैं डांस सीखने वाली हूँ। जो मुझे सिखाने आएंगे वो घर पे ही आएंगे, तो वो करीब 10 बजे आएंगे, तो मुझे तब तक फ्री होना है सब कुछ घर का काम वगैरह कर करा के। तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी, चाय वगैरह तो मैं पी के आ गई हूँ। देखना ये है कि मैं डांस सीख पाती हूँ या नहीं। वैसे तो जितना मैंने सीखा था उसके हिसाब से लगता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं सीख तो जाऊंगी। तो चलो डांस सीखने की आज से क्लासेस स्टार्ट होती हैं मेरी। मम्मी अभी अपने डिपार्टमेंट को संभालने आई नहीं है, पहले देखते हैं मम्मी रह किधर गई हैं, मम्मी को देखते हैं, उसके बाद मैं चलती हूँ काम करने। पता है हम आपका बाहर इंतजार कर रहे थे इतनी देर से, और आप यहाँ मेरा काम कर रही थी। हाँ, आपका काम वो था, ये मेरा काम था। ये पोस्ट अभी को मिली हुई है, आपको मालूम नहीं रात ट्रांसफर हो गया था। कब? रात में मैं इंतजार कर रही हूँ, मैंने कहा आ रही है, फिर मेरे को उठ के आना पड़ा। मम्मी पापा तो चले गए पपीता तोड़ने, क्योंकि फिर से पपीता पक गया है, इनको पपीता इतने खा रहे हैं बहुत ज्यादा। लिया अच्छा, अभी एक और है, खूब फ्री के पपीता खा रही हो मम्मी तुम। पसंद लगाया है। हाँ बस खींचो। सही कैच है मम्मी आपका। ऐसा कुछ है जो आपने नहीं किया हो? लो तो नाश्ते में अभी मैं बना रही हूँ भिंडी आलू की सब्जी, और वो भी मैं पहली बार बना रही हूँ, तो चलो देखते हैं कैसी बनती है। कोई आइडिया नहीं है कैसे बनाऊंगी। देखो बना तो दिए, अब कैसी बनेगी ये पता नहीं है, टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगी कि कैसी बनी है। आपने कभी भिंडी आलू खाई है तो कमेंट पे बताना। मम्मी भिंडी के साथ पराठा या आलू क्या बनाऊं? दूध हाँ मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, वो जो अभी आया है ना वो वाला, वो गरम करूँ पहले फिर और पराठा बना दूँ? आपका कितना रह गया है? हो गया, आ जाओ तो पे। तैयार होके मैं इंतज़ार कर रही हूँ मास्टर जी का, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गए। कॉल कर रही हूँ, कॉल भी नहीं उठाया, कम से कम पता चलता आ रहे हैं या नहीं, उनका इंतज़ार तो नहीं करती। 10 बजे का टाइमिंग देने के बाद ना अभी तक कोई भी अता पता नहीं है, 10:30 से ऊपर हो गए हैं। कम से कम फ़ोन उठा के बता तो देते आ रहे हैं या नहीं, इंतज़ार तो ना करती। इतनी जल्दी उठी उनकी वजह से, फिर भी उन्होंने आज गोली मार दी, बताओ। हाँ थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, मे बी आ जाएं शायद। नाश्ता भी नहीं किया था नहाने धोने के चक्कर में, पहले नाश्ता कर लेती हूँ। नहीं मैंने पहली बार भिंडी आलू की बनाई है, भिंडी की तो बनाती हूँ। भिंडी आलू बनी कैसी है? वाह पराठा और भी वाह, प्लेट में आ गया तो और भी वाह। और वैसे हमने दोनों ने नए नए कपड़े पहने हैं। चलो सही है, नए नए कपड़े तो मिले कम से कम। फोटो खींचे कितना बढ़िया आ रहा है, मैं गोरी लग रही। अभी हम लोग फोटो क्लिक कर रहे थे और मम्मी के होंठ थोड़े से कम लग रहे थे, तो लिपस्टिक मंगाई है मम्मी ने लगवाने के लिए कि फोटो अच्छे आए। सही बात है मम्मी, सही बोलो, आप ही के कहने पर लेके आई हूँ। हम दोनों के ही लग रहे थे ऐसे, खुद तो अपने लगा के आई अंदर से, हमारे ऐसे लग रहे जैसे हमने सिगरेट फूकी अभी।
चलो पहले लगाते हैं, कोई उतने भी काले नहीं है। नहीं वैसे तो सही है। सो अभी मैं सो के उठ के आई हूँ क्योंकि अभी फिलहाल आने वाले हैं मास्टर, तो उनका इंतजार कर रही हूँ मैं। और पहले चाय पी लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा भारी भारी सा हो रहा है, तो मैं चाय पीऊँगी। और उन्होंने बोला था कि 5 बजे आएंगे, तो फिर मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मे बी शायद आ जाए। उसके बाद हमें तैयार हो के एक फंक्शन में भी जाना है, लेकिन वो 8-9 बजे जाएंगे, अभी नहीं। सो पहले चलते हैं अंदर और चाय पी लेते हैं, उसके बाद कुछ और देखते हैं। लोग इसे भी खा जाते हैं, बता सही बता रही मम्मी, इसे पका के खा लेते हैं। वही तो चलते थे पहले, उन्हीं का इंतजार करते थे कि हाँ आ जाए, अब कौन सी आ रही है, ना उसी की बात। ठीक है जी, कौन सी आ रही है, किसी मिनट जैसी होगी। इतना गलत साफ हो गया, बचपन से कल्लो सी थी, मैं कैसे चिपकी लिया, तो मुझे नहीं पता भगवान ही जाने इतना चेंज कैसे आया। पहले ना फोटो भी देख लिए ना, तो पहचान नहीं पाओगे बिल्कुल, ऐसी थी पहले मैं, ना मैं इतनी गोरी ना मैं सुंदरी, अजीब सी एकदम। सो अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में, तैयार हो गए हैं, और बाकी का पहले शूट करना मैं भूल गई थी, फिलहाल निकल रहे हैं, वहाँ पहुँच के आगे का मैं आपको दिखाऊंगी। है हमारी सासू माँ तैयार हो के, चलो। अभी हम लोग आ चुके हैं, जितना इंतज़ार इस दावत का किया था, शादी का किया था, उतना मज़ा नहीं आया है, पर दावत वावत खा के हम घर पर आ चुके हैं, अब चेंज करके सीधे सोने जाएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। दूध पी के सही बात है, दूध पी के सोएंगे, वाले रसगुल्ले और वो जो क्या था हलवा, एकदम थर्ड क्लास था। बुराई नहीं करनी चाहिए जो भाई, जो सच्चाई है वही है, क्योंकि फ्री में था और वो भी इतना घटिया, क्या ही कहना। खैर छोड़ो, चलते हैं, चेंज करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। सी यू, बाय, गुड नाइट।